बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी मैडम हूँ मैथ में। आज आपको मैं पहले लेक्चर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर दूँगी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पहले डिस्कस करनी पड़ेंगी। जैसे कि एक चीज़ आ जाती है हमारे पास डेटा, कि ये क्या चीज़ है हमारे पास डेटा। आपको पता है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जिसको आप कहते हैं कि जो कि हमारे पास प्रोसेस फॉर्म में नहीं होता, उसको प्रोसेस फॉर्म में लेकर फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये अनप्रोसेस्ड फॉर्म है और ये प्रोसेस्ड फॉर्म है। ठीक है, ये अनप्रोसेस्ड और ये प्रोसेस्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। मैं जैसे आपको मैं बता सकती हूँ कि एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा, कि अगर हम एक छोटा सा बना लेते हैं, लिख दिया कि एक अली पर्सन है कोई भी, और यहाँ हमने लिख दिया कि ये 50K समथिंग कोई हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स पड़े हैं, और हमने साथ में ये भी लिख दिया। ठीक है, अब ये तो लिखा हुआ है कि अली है, 50K है, 25 फिगर्स मेंशन है, हमें नहीं मालूम कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको हम देंगे, ये हमारे पास डेटा है फॉर फैक्ट्स एंड फिगर, जिनके बारे में बस हमें पता है कि डेटा मौजूद है, लेकिन हम इनके बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन इनको प्रोसेस करेंगे तो ये कन्वर्ट होंगे हमारे पास, कि हमने कहा कब होंगे, जब हमें इनके बारे में डिटेल पता लगेगी। इसे पता लगा ये एम्प्लॉय है, ये इसकी सैलरी है, और ये इसकी एज। अब ये देखिए, अब आपके पास ये जो डेटा बनेगा, अब ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब हम इसको डेटा नहीं कहेंगे, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन बन गई। ठीक है, ये बन गई इंफॉर्मेशन, कि अब हमें पता लग गया कि अली जो है वो एक एम्प्लॉय है, और उसकी सैलरी जो है 50,000 है, और एज उसकी 25। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई हमारे पास के डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है आपके पास। अच्छा, जो डेटा बेस को डिस्कस करते हैं, उसका मतलब है जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो डेटा को सेव कैसे करते हैं। तो पहले जो हमारे पास सिस्टम था, जो कि अभी भी इस्तेमाल हो रहा है काफ़ी जगहों पर, वो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ये डेटा बेस के आने से पहले का सिस्टम था। ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसके बहुत सारे नुकसान देखे गए, जिसकी वजह से जाकर ज़रूरत पेश आई कि कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए जो कि इसके तमाम ड्रॉबैक्स को कवर करे। तो उसके लिए डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट आया, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया। लेकिन उससे पहले ये था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या था कि सपोज़ क्या हम अपनी कॉलेज की एग्जांपल ही लेते हैं, तो कॉलेज में डिफरेंट तरह के हमारे पास डिपार्टमेंट्स भी हैं, और अब देखा जाए कि भी हमारे पास मेन एडमिन ऑफिस है, तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल साइट भी आपके पास, सॉरी हम इसको कह देते हैं कि अकाउंट्स का जो है वो अलग डिपार्टमेंट हम कंसिडर कर लेते हैं, लाइब्रेरी लिख लेते हैं, और हम सब एक डिपार्टमेंट कंसिडर कर लेते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस को डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, अब हम कह लेते हैं कि सपोज क्या ये तीन डिपार्टमेंट्स या तीन अलग अलग जगह हैं एक ही जगह पर किसी भी कॉलेज में। ठीक है, अब इनके पास भी डाटा पड़ा हुआ है, इसके लिए भी डिपार्टमेंट में जितने भी स्टूडेंट्स पोस्ट किया, 1000 स्टूडेंट्स होंगे, उनका रिकॉर्ड जो है वो अकाउंट्स के पास से पड़ा हुआ है, उनकी फीसेज वगैरह का रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, इधर भी रखा है और इधर भी रखा हुआ है लाइब्रेरी में, तो उन्होंने अपने कार्ड्स वगैरह बनवाए हैं बेटा को लेने के लिए। ठीक है,